उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिले का डुमरी प्राथमिक विद्यालय, जहां बड़े बड़े सपने लिए छोटे छोटे बच्चे बिना किसी बाधा के पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पहले हालात ऐसे नहीं थे। ज्ञान की रोशनी घर घर में फैले, इसके लिए सरकार अच्छी खासी रकम खर्च कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से रकम का इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। डुमरी प्राथमिक विद्यालय का हाल भी कुछ ऐसा ही था। ऐसे में सामने आए एक स्थानीय नागरिक उदयभान। इन्होंने इन अनियमितताओं का कारण जानना चाहा और शिक्षा विभाग से पूछ डाले कुछ सवाल। हमने पूछा कि यह विद्यालय बनाने में कितनी धनराशि शासन द्वारा उन्मुक्त की गई है, इसको बनाने में कौन कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में उपयुक्त की गई है, मानक के अनुसार इस विद्यालय की उम्र क्या होनी चाहिए, इसमें लैट्रूम बाथरूम है कि नहीं है, जो सब कुछ मिला कि इसमें सब कुछ है, बच्चों के बैठने के लिए बेंच है कि नहीं है, ये सारी बातें हमको सूचना अधिकार की तरफ से मिली। जवाब से अनियमितताएं सामने आई। उदयभान ने आरटीआई से मिली जानकारियों के बिना पर प्रशासन से शिकायत की। जाहिर है विद्यालय की व्यवस्था सुधारने का जो बीड़ा उदयभान ने उठाया था, उन्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। सूचना के सिपाही उदयभान की असली समस्या यहां से शुरू हुई। पहले उनके साथ मारपीट हुई, फिर फर्जी मुकदमे में ला दे गए और सूचना के इस सिपाही को सफेद पोशों को बेनकाब करने की सजा इन मुकदमों में जेल तक जाकर चुकानी पड़ी। जब सूचना मिली तो हमने शिकायत किया, जिससे कुष्ट होकर के नाराज होकर के वह संबंधित ठेकेदार और प्लस ग्राम प्रधान, ये लोग मिल करके हम पर तरह तरह की यातनाएं करने लगे और लगे मारपीट कर धमकियों के देते। हम एक रात हमारे घर उन्होंने अटैक कर दिया और अटैक में हमको मारे पीटे, हमारे परिवार के लोगों को भी मारे पीटे। पर उदयभान की मेहनत रंग लाई। आज स्कूल में बेंच आ गई है, पक्की दीवार बन गई है, छात्रवृत्ति भी मिल रही है, हालात सुधरने लगे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सालों से जारी अनियमितताओं को उजागर करने वाले उदयभान को आखिर क्यों जेल की सजा काटनी पड़ी, जबकि सजा के हकदार तो दूसरे लोग थे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत मात्र है। जो हालात डुमरी विद्यालय के थे, वो आपके आसपास के विद्यालयों में भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप भी सूचना का अधिकार कानून का प्रयोग करके अनियमितताओं को उजागर कर सकते हैं।